नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह और अखिलेश यादव के बारे में, और उनके साथ बात करेंगे विनेश फोगाट को लेकर भी, क्योंकि हाल ही में विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के साथ जो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, कहीं ना कहीं इस बार जुलाना की सीट से कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी लड़ती विनेश फोगाट नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर बजरंग पुनिया चुनाव लड़ते तो नहीं, लेकिन किसानों के साथ कार्यरत होते नजर आने वाले हैं। कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अब इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल में एक खटास शुरू हो चुकी है, क्योंकि यह वही विनेश फोगाट है जो ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने में आतुर मानी जा रही है। ये वही महिला पहलवान है जो ये कहती नजर आई थी जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेज दिया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ यौन शोषण जैसी आपराधिक घटना की है, यौन शोषण जैसा घिनौना काम किया है, और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह WFI के चीफ कहलाने लायक नहीं है। इसी के चलते WFI के फेडरेशन ने, WFI की संगठन ने ब्रजभूषण शरण सिंह को चीफ के पद से हटा दिया था। पूर्व आपको बता दें, या पूर्व चीफ के पद पर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह आते नजर है, लेकिन इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में भी ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला चल रहा है। यौन शोषण के मामले में उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अगली सुनवाई बेहद जल्द होने वाली है, लेकिन इसी बीच विनेश फोगाट का बजरंग पुनिया संग कांग्रेस में शामिल हो जाना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करता नजर आ सकता है। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जो विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, जो विरोधी स्वर उनके कहीं ना कहीं पनप रहे हैं, विनेश फोगाट की स्थिति चुनाना की सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह बिगड़ते नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेल विनेश फोगाट जुलाना की सीट पर खराब करती जरूर नजर आ सकती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह मात्र केवल विरोधी स्वर अपनाने के लिए जुलाना की सीट पर चुनाव प्रचार करने भी पहुंच सकते हैं, इसका ऐलान खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुझे बीजेपी ने मौका नहीं दिया, लेकिन चाहे बीजेपी मुझे मौका दे या ना दे, लेकिन विनेश फोगाट का खेल मैं जरूर बिगाड़ता नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ विनेश फोगाट और महिला पहलवान खेलती नजर आई है। देखा जाए तो आरोप विनेश फोगाट पर ब्रजभूषण ये भी लगाते नजर आए थे हाल ही में कि राहुल गांधी को तैयार हो जाना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं मोहरा बनाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस में शामिल करवाया है, और अब राहुल गांधी को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब राहुल गांधी की भी खराब होगी। जो हश्र विनेश फोगाट ने मेरे साथ किया था, वही हश्र अब विनेश फोगाट राहुल गांधी के साथ भी करती नजर आएंगी। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले ही उत्तर प्रदेश में केसरगंज की सीट से ब्रजभूषण का टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी चरम पर थी, और अब विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल हो जाना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं जाहिर करने में लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट को इस बार जो कांग्रेस ने जुलाना की सीट से हरियाणा विधानसभा में उतारा है, अब देखना ये अहम होने वाला है कि आखिर विनेश फोगाट क्या सच में बीजेपी का जुलाना की सीट से खेल बिगाड़ती नजर आएंगी, क्या विनेश फोगाट कांग्रेस को कहीं ना कहीं सही साबित करती नजर आएंगी कि जो उनको टिकट दिया गया है वो टिकट उनको सही तौर पर और सही मायनों के साथ दिया गया है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए।